कोच तो बने हैं, हीरा तो वो बचपन से ही है। हीरा तो बचपन से ही है और हम सबकी जिंदगी के हीरो भी हैं। सो इट्स टाइम टू इनवाइट नन अदर देन द डायमंड लीडरशिप। मैं निश्चित तौर पर सबको इनवाइट करा, कुछ लाइन बोलना चाहते थे? सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक सिखाया आपने। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक सिखाया आपने। झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात बात बताई आपने। जब समझ नहीं आया राहों में कुछ, तो रास्तों का साथ दिया आपने। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड मैं बुलाना चाहूंगी शख्सियत हो तो ऐसी हो, शख्सियत हो तो ऐसी हो कि नाम लेते ही बवाल हो। जिसकी जिंदा दिली मशहूर हो मगर सादगी भी कमाल हो। गुड मॉर्निंग कन्वेंशन। मुझे लगता है अभी आप लोगों इतनी तेज आवाज मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है, पीछे तक मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मैंने पूछा था आप हाथ साथ में लेके आए, हाथ में देख चुका हूं, आवाज साथ में लेके आए हैं। यस सर। आवाज साथ में लेके आए हैं। यस सर। अच्छा आपको पता है जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. और जब हमें भगवान को ज्यादा मनाना हो तो बड़ी वाली घंटी बजाते हैं। आया ना? Yes, sir. और ज्यादा तेज बजाते हैं। क्यों? क्या भगवान ऐसे नहीं सुनते? क्या भगवान आपके मन की आवाज नहीं सुनते? सुनते तो हैं। Yes or no? Yes, sir. फिर क्यों बजाते हैं? क्योंकि भगवान को पता तो चले कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसके अंदर है, तभी तो पहचानेगा किसको मिलना चाहिए किसी को नहीं। यस सर। यस सर। तो इस कन्वेंशन के अंदर भी आप कुछ लेने आए हैं। यूनिवर्स आपको देख रहा है, हाँ या ना? यस सर। या सिर्फ इतनी दूर से? कितने लोग हैं जो इस कन्वेंशन से अपनी जिंदगी बदलने आए हैं, कुछ लेने आए हैं? मैं हाथ देख सकता हूँ? यस सर। तो आप लोगों की आवाज यूनिवर्स सभी का स्वागत करता हूँ। अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगह से आप सभी लोग आज हमारे इस पिंक सिटी जयपुर के अंदर इस कन्वेंशन का पार्ट बने हैं। पिंक सिटी के अंदर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हालांकि जयपुर शहर बहुत फेमस है, मैंने ऑलरेडी मीटिंग्स के अंदर बताया अभी कि घूमने के लिए भी बहुत अच्छा शहर है और दिवाली के टाइम पे तो जयपुर की रौनक देखते ही बनती है। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कन्वेंशन खत्म करेंगे तो आप जयपुर विजिट करके भी जरूर जाइएगा। बट हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि अंकुश सर बता रहे थे कि इस ट्रिप के अंदर जब आप आए होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। हो सकता है किसी का मोबाइल गुम हो गया हो सकता है किसी को जगह नहीं मिली हो सकता है लास्ट में किसी को टिकट नहीं मिला हो तो ट्रैवल खड़े खड़े ट्रेन में आना पड़ा हो, नींद नहीं ले पाए हो, ऐसे बहुत सारे चैलेंज आपके सामने आए होंगे। यस और नो? यस सर। जितने लोगों के साथ ये चैलेंज आए हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूं। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, तो यकीन मानिए ये एक साइन है आपको ये बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। यकीन मानिए, वो जगता है। बस आपको ये देखना होगा, मैं आपको बता दूं, इन 2015 मैं पहली बार कन्वेंशन अटेंड करने के लिए कोटा शहर से दिल्ली के अंदर गया था। मेरे पास उस टाइम पे फोन हुआ करता था माइक्रोमैक्स का, यूरेका, और उस कन्वेंशन के अंदर मेरा वो फोन खो गया। एंड आप यकीन करेंगे, आफ्टर 6 मंथ मेरे पास अपना खुद का खरीदा हुआ iPhone 6s था। तो मैं अगेन यही बोलूंगा कि लाइफ में
जब कुछ खोते हैं या कुछ चैलेंजेस से हम गुजरते हैं तो इसका मतलब हमेशा यही मानिए कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहती है, आपके साथ कुछ बड़ी प्लानिंग यूनिवर्स की है। ऐसा बोला जाता है कि आपकी सोच और आपकी प्लानिंग से कहीं ज्यादा बड़ी प्लानिंग भगवान की है, यूनिवर्स की है, तो उस पर आपको बिलीव करना चाहिए। तो कितने लोग इस कन्वेंशन में इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि आज इस कन्वेंशन से आपकी जिंदगी बदलने वाली है? मैं हाथ देख सकता हूँ। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग मूवी देखने जाते होंगे, सभी जाते होंगे, कौन नहीं जाता, सभी जाते होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमने हर तरह की मूवी देखी होंगी, लॉजिकल, इलॉजिकल, फालतू, कुछ को देखे आपने सर भी फोड़ा होगा, क्यों पैसे खर्च किए इसके लिए, हुआ है, सबके साथ हुआ है। अच्छा आप में से कौन मुझे बता सकता है कि मूवी देखने का असली मजा क्या है? क्या मूवी अच्छी होना एक्चुअल मजा है या मूवी के अंदर आपकी फीलिंग्स ज्यादा एक्चुअल इंपॉर्टेंट होती है? एक मूवी आई थी आपको अगर याद हो तो गोल में अप्लाई करेंगे, क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं? इस कन्वेंशन लास्ट पार्ट में अपना कर रहा हूँ, जब आप मूवी के अंदर जाते हैं तो एक चीज बोली जाती है कि अगर मूवी को एंजॉय करना है तो एक चीज दिमाग में लेके जाइए और वो क्या? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अगर कन्वेंशन को एंजॉय करना है तो अगले 6 घंटे अपने दिमाग में एक चीज रख लीजिए, क्या? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट। रखा नहीं अभी आपने। अगर कन्वेंशन को एंजॉय करना है तो नेक्स्ट 6 आवर आपके दिमाग में एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो क्या है? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट। यस और नो? एक यकीन मानिएगा, आज के कुछ साल पहले हम भी आप लोगों की तरह पीछे बैठा करते थे और जब जब अपलाइन स्टेज पर आती थी उनके लिए चिल्लाते थे, दहाड़ते थे, तालियां बजाते। पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा है, 8 बिलियन, 800 करोड़, और 800 करोड़ में आप और हम सिर्फ एक हैं। जरा फील करके देखो 800 करोड़ में, क्या काउंटिंग देखो एक बार आप अपनी, और हमें कहाँ पहुंचना है, हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। मैटर ये नहीं करता कि आप इस कन्वेंशन से मोटिवेट कितने हुए हैं, मैटर ये करता है कि आप इस कन्वेंशन से एजुकेट कितना हुए हैं, आज आप अपना वजूद कितना समझ पा रहे हैं, आज आपको अपने बारे में, आज आपके अंदर ये भूख नहीं जगी कि मेरे को अंकुश कुमार मीणा बनना है, मेरे को पवन चौधरी बनना है, मेरे को कुलदीप मीणा बनना है, मेरे को गौरव गुप्ता बनना है। अगर आज आपके अंदर ये भूख नहीं जगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकल गया। जन्म एक ही बार मिलता है, एक ही बार, यस और नो? और अगर इस जन्म को आप ऐसे ही उन 800 करोड़ में एक कीड़े मकोड़े की तरह निकाल दोगे ना, तो फिर इस जिंदगी का सच में कोई मतलब नहीं निकलता है दोस्तों। मैं बहुत ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज भी रात रात भर नहीं सो पाता क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है, मैं लाइफ में बहुत बड़ा करने आया हूँ। मैं जब भी, आप एक चीज समझिए, दुनिया में फॉलोअर लोग बहुत हैं। आप कपिल शर्मा देखते हैं, कितने लोग आते हैं तालियां बजाने, हंसाने वाला एक है। आप कोई भी बच्चों वाला, आप लोगों के बिजनेस को समझने की कोशिश करिए, सारी दुनिया के बच्चे हैं, उन बच्चों को टाइम पास कराने के लिए टीवी पर सीरियल लगा दिए बालवीर, बाल हनुमान। जो बालवीर बनाता है वो कमाता है, जो बाल